कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें समाजवादी पार्टी के समाजवादी विचारधारा से कभी न कभी जुड़े हुए लोग न हों। आज अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, अगर उनके एमपीओ को देखा जाए तो उसमें से सैकड़ों लोग ऐसे जो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि समाजवादी विचारधारा के लोग जो जहाँ भी हों उनको एक मंच पर आ करके समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि समाजवादी बिगड़ क्यों गई, जैसे जब ब्राह्मण प्याज खाता है तो फिर गोश्त तक चला जाता है, उसी तरीके में समाजवादियों को भी कहता हूँ कि अगर इनका रिश्ता बिगड़ा तो बिल्कुल निचले धरातल पर पहुँच जाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादियों को अपने चरित्र में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर देश की या दुनिया की राजनीति को प्रभावित करना है तो हम एस एम जोशी को क्यों नहीं देखते, हम कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श क्यों नहीं बनाते, डॉक्टर लोहिया को आदर्श क्यों नहीं बनाते, लाडली मोहन निगम को अपना आदर्श क्यों नहीं बनाते। हमें तो इनको भी अपना आदर्श बनाना चाहिए। जब हम अच्छाई खोजेंगे तो हमें अच्छाई ही अच्छाई दिखाई पड़ेगी, और हमें उस अच्छाई के बिंदुओं को सोचने का और उनको इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। 64 से, हाँ 64-62 में, 62 में जवाहरलाल नेहरू आए थे फैजाबाद, तो हम लोग उनसे मैं उनसे मिलना चाहता था जी। तो उस समय हमारे पिताजी सब लोग कांग्रेस में थे, तो यहाँ सबसे बड़े नेता जयराम वर्मा जी थे, तो हमने अपने पिताजी से कहा मैं भी चलूँगा, तो बल्कि पिताजी हमको एक दो मुक्का मारे भी, कहा चले वहाँ चलने की क्या ज़रूरत है, तो जयराम जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मैं ले चलूँगा, तो ले आए। तो जवाहरलाल नेहरू से मिलाया भी, हमको फोटो भी है। तो सर कितनी उम्र थी आपकी? मैं कक्षा 7 में पढ़ता था उस जमाने में, हमारी 49 की। हाँ, मेरे मन में इससे एक बात आई जी कि मैं 71 में छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो मेरे मन में आया कि यहाँ पर इंदिरा जी को लाया गया था डिग्री कॉलेज में, तो जब डिग्री कॉलेज में लाया, उसी साल आचार्य जी भी कृपलानी जी को भी लाया गया था, तो मैं गया डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास, तो मैं एक असमृत चित्र लिखना चाहता हूँ था, जिस तरीके से महादेवी वर्मा जी ने लिखा था या फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था, तुमने कहा उसी तर्ज पर लिखना चाहता हूँ, पन्नों में दबे गुलाब। क्या हुआ? गया साकी डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल साहब के पास, तो हमने कहा सर हमें 71 में लेख वोख लिखता था कविता उविता, तो हमने कहा वो पत्रिका अगर मिल जाती 71 में जो साकेत सुधा छपती थी वही सब छपना शुरू हुई थी, तो बहुत दिन बीत गया, तो कहे पांडे जी एक दिन का समय दीजिए तो हम खोजवाते हैं। फिर मैं जो उस जमाने के जो लाइब्रेरियन थे और बाबू उनके पास गया, तो बहरहाल हमें परसों मिल गया वो पत्रिका 71 की भी 72 की जी, और वो फोटो भी सब मिल गई जिसमें मेरा इंदिरा गांधी जी यहाँ आई सर्किट हाउस में, तो मैं था और निर्मल खत्री जी थे, ये जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये सब लोग गए, तो डीएम ने कहा मना कर दिया, कहा ना ये नहीं हो पाएगा। तो मैं इंदिरा जब डीएम साहब ने बड़े ज़ोर से डांटा आपको, कहा कहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ, तो हमने कहा मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि आप जिस देश की प्रधानमंत्री है वहाँ पर 60% आदमी आज भी अंगूठा लगाता है, और मैं जहाँ का प्रधानमंत्री हूँ वहाँ सब साक्षर हैं। तो इंदिरा जी खुश हो गए, तो कहें कि मैं तुम्हारे कॉलेज में चलूँगी, और तुम जाओ कितनी दूर पड़ेगा, तो उन्हें बताया 3-4 किलोमीटर पड़ेगा, कहें तुम जाओ अरेंज करो और मैं 45 मिनट के भीतर आ जाऊँगी। उनका ठीक है, तो हमने उनकी साकेत डिग्री कॉलेज के सामने उनकी मीटिंग कराई। कुछ फोटो इधर हैं जो हम आपको दिखा देंगे, चरण सिंह के साथ और जॉर्ज फर्नांडीज कई बार आए थे, मधु जी आए थे, लेकिन अब चूंकि हम लोग फोटो के शौकीन थे नहीं समाजवादी। मधु लिमई जी से हाँ, आपकी एक बातचीत हुई जीप हाँ, पे आप यात्रा की थी। मधु जी हम लोग उनके बड़े प्रिपात्र थे, तो मधु जी को बुलाए थे डिग्री कॉलेज में, यहाँ उद्घाटन करना था। मधु जी
हम लोग ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते थे उस जमाने में, और कमला नेहरू भवन था यहाँ पर, कांग्रेस का कार्यालय था। तो वो उस जमाने में आचार्य नरेंद्र देव जी चूँकि यहाँ के बड़े नेता थे, तो 1937 में बना था। तो नीचे कांग्रेस पार्टी का कार्यालय था, उस पार्टी का कार्यालय था, तो हम लोग सोशलिस्ट पार्टी वाले कार्यालय में रहते थे। तो मधु जी से हमने कहा कि हमारे यहाँ यूनियन का आप उद्घाटन कर दीजिए, तो कहें कि बहुत ना नुकुर की, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं आऊँगा। तो आए वो, बहुत सवेरे ही उठ करके गया उनके पास, तो कहे कि ऐसा करो बैठो। बैठे तो उन्होंने ऐसे कंधे फाड़ रखा हमारे, तो हमारे पास दरअसल में उस समय कुर्ता पैजामा था नहीं, तो मैं गया रात में उसको पछारा उछारा फैलाया वैलाया, लेकिन साला सूखा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कहाँ तुम भीगा हुआ कपड़ा पहन चली आई। तो हमने कहा नहीं भीगा हुआ कपड़ा नहीं था सर, ऐसा सूख नहीं पाया। तो कहा नहीं ऐसा कपड़ा ना पहने, कभी बीमार हो जाओगी और तबीयत खराब जाएगी। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा करो कि पियर साबुन ले आओ। हमने कभी पियर साबुन का दामे सालिक नहीं सुना था, पियर कौन साबुन होता है। मैं वहाँ चला अलका राजीव होटल से, नया नया बना था और चौक आते आते भूल गया। अब बड़ा मन परेशान कि अब क्या करें। खैर मैं घूम फिर करती फिर गया, तो हमने कहा साहब दुकान भाजी सब बंद है, थोड़ा दुकान खुल जाए तो भी फिर मैं ले आता हूँ। तो उसी बहाने फिर मैंने पूछा, तो उसको नोट कर लिया मैंने। तो उस समय एक दुकान जो थी यासीन वाली, उसी यासीन की दुकान पर एक बत्ती साबुन हम पीएस का मिला। हम लोगों को मधु जी मानते बहुत थे। जाट फर्नांडीज कहे कि पांडे जी जौनपुर चलना है और हम आएंगे, और ऐसा करना 4 बजे हम लोग जौनपुर पहुंच जाए। तो हमने कहा ठीक है सर, जब आप आइएगा हम आपको तैयार मिलेंगे, और हम लोग 4 बजे आपको जौनपुर पहुंचा देंगे। तो जार साहब जीप से आए, कमला नेहरू भवन के नीचे हॉर्न बजाया, हम उतरे उनकी गाड़ी में बैठे। तो कहा कहीं एक कप चाय पिला दो, हमने कहा ठीक सर चाय पिलाएंगे। तो हम लोग चौक में एक शौकत की चाय की दुकान थी, वहाँ लेके गए। उस समय 1:30 बज रहा था, चाय पिए। तो चाय वहाँ पर दूध को, तो एक स्टोव आता था जिसमें 2 बर्नर रहता था, तो उसी पे एक बड़ा कड़ाहा में रख करके वो दोनों बर्नर अलग अलग जलते थे, और दूध जल्दी गर्म होता था। दूध गर्म हो रहा था, उसी समय चौक में एक बड़ी आवारा औरत रहती थी, उसको चौक के धुबनिया लोग कहते थे, आप नाम सुन रहे होंगे कभी बचपन में। वो आई और आवारा टाइप की थी, करीब उसमें 20-25 लीटर दूध था, अब एक लात मारा और वो दूध उधर गिरा, भगोना इधर गिरा, और सब हाथ पर। जार साहब पूछे क्या है क्या है क्या है क्या है। तब जार साहब को बताने लायक था नहीं कि साली हमारा औरत है। खैर बात आई गई हो गई। शौकत हम लोगों को बहुत मानते थे, जितने समाजवादी थे रात में लगभग 2 बजे तक वहीं चाय पीते थे, और चाय पीने के बाद सब अपने अपने जगह डिस्टर्ब हो जाती थी, चले जाते थे सोने होने के लिए। तो जार साहब चाय पियो, चाय पीने के बाद फिर हम उनको लेके जौनपुर चले गए। तो जौनपुर बहुत मजाकी टाइप आदमी थे, तो ऐसे हमारा जब बाल देखते थे तो कहते थे पांडे भगवान ने बनाते समय एक गलती की, कि आदमी जगह सुअर का बाल लगा दिया। कई बार इसको कई बार मजाक में कहते थे, हमारा बाल खड़ा रहता था, तो कहते थे इस बात। हाँ, बहुत विनोदप्रिय थे और संस्कार ऐसा उनका था। अज्ञान से बड़ा नेता तो उस जमाने में भाई साहब कोई था नहीं, झूठे अपना चाहे चुका है। जाज और मधु अगर ये दोनों लोगों ने महाराष्ट्र न छोड़ा होता, बिहार ना आए होते,
तो महाराष्ट्र में समाजवादियों की सरकार होती है। अच्छा मुझे बताइए, आपका पृष्ठभूमि सोशलिस्ट पार्टी की है, अनुभव आपके नेहरू जी और इंदिरा जी के हैं, पार्टी आपने मुलायम सिंह की ले ली, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका समाजवाद कौन सा है, सोशलिस्ट पार्टी का है, कांग्रेस का है, जयशंकर पांडे का है, मुलायम सिंह का? हम लोग तो शुरू से डॉक्टर लोहिया के ही साथ थे। कांग्रेस में कभी लोहिया की आत्मा है क्या समाजवादी पार्टी में है? देखिए ऐसा है कि हर चीज की परिभाषाएं देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। हम लोग जब राजनीति में आए तब राजनीति का स्वरूप दूसरा था जी। तब विचारधारा पर राजनीति चल रही थी जी। ये भूमंडलीकरण नहीं आया था, ये भौतिकतावादी युग दौर नहीं था, तब भोग की संस्कृति नहीं थी। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और जहाँ तक आत्मा की बात है, आत्मा थोड़ो बदलती है, कलेवर बदलता है। आपने बदल दिया? हम अपने कलेवर को नहीं बदल सकते। तो एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? एडजस्टमेंट हो या ना हो, एडजस्टमेंट नहीं है तो हाथिए पर है, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं अपने विचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हमारे बचपन के जब हम लोग राजनीति यहाँ शुरू किए, उस जमाने में हम लोगों में डिस्कशन होता था, उसकी एक उदाहरण ये बैठे हुए हैं। अभी आपने बताया कि नेता का मतलब डाकू, नहीं वो दूसरी बात हो, तो मैंने एक मुहावरा में मैं उसी पे जानना चाहता हूं। जो आज 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 नेताओं की परिभाषा है जी। तब नेता जो था अपना घर जलाता था। हाँ वही तो मेरा प्रश्न है। हाँ। मेरा प्रश्न ये है हाँ। कि आप कैसे नेता हैं, आपके पास ठीक से गाड़ी भी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं, बहुत ज्यादा समर्थक भले ही हैं आपके पास, लेकिन ओहदा भी नहीं है, आपके ऊपर कोई दाग भी नहीं है, आपके पास कोई स्त्री गमन का कोई आरोप भी नहीं है, कोई बाहुबली भी आप नहीं है, तो कैसे नेता हैं आप? ऐसा है कि राजनीति स्वतंत्रता सुखाई थी। हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से जितने लोगों की मदद कर सकें, जितने लोगों को सुख पहुंचा सके, हमारा एम ये था। तब राजनीति उपभोक्तावादी नहीं थी, तब राजनीति समग्र को लेकर चलती थी, तब ये समष्टिवादी थी, अब नहीं, तब व्यष्टिवादी हो गई। लेकिन आप उसमें एडजस्ट कर रहे हैं? हम उसमें एडजस्ट करेंगे लगातार। कीमत क्या दे रहे हैं? कीमत कितनी पड़ रही है? कीमत का कोई मूल्य? राजनीति में हम राजा बनने थोड़ो आए थे। हमने तो थी शहर में दो दो तीन तीन उपवास किए हैं, इनके घर जाके खाना खाता था। जिस दिन फैजाबाद में कहीं खाना नहीं मिलता था, हम लोग भूखो रहते थे, और जब भूख की पराकाष्ठा होती थी तो इनकी भाभी जो होती थी वो हम लोगों को खाना देती थी। हम लोग इनके यहाँ आश्रय पाते थे, शरण पाते थे। इनके बड़े भाई को हम लोगों ने हमेशा बड़ा भाई माना, और हमारी कीमत उनको चुकानी पड़ती थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। जैसे आपके आसपास के जो सहपाठी के हाँ। स्तर पे लोग थे जिन्होंने ककारा साथ में पढ़ा, जैसे सिंह चौहान रहे हों, मित्र सिंह हैं हाँ। चले गए, ये अलग अलग रास्ते में चले गए हाँ। लेकिन अब विचारधारा वहां पर अंतिम दौर तक मौजूद रही हाँ। आप अकेले हो गए हैं या अभी आपके पास ऐसे? नहीं नहीं, बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, सैकड़ों में लोग हैं, हजारों में लोग। क्या पहले की तरह से उसी है? उससे ज्यादा जज्बाती लोग हैं। नहीं, जज्बात अच्छे लोग हैं। अच्छा हाँ, ये है कि हम अच्छे लोगों का कलेक्शन कैसे करते हैं। आपने किया? हाँ, अच्छे लोगों का उदाहरण के लिए बैठे हैं। मुलायम सिंह ने सांप्रदायिकता में, जब अयोध्या का घनघोर दौर चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पांडे जी, मैं जिला अध्यक्ष 20 वर्ष रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नौजवान बोलने वाले हैं। हमने कहा था फैजाबाद से अच्छे नौजवान तो आपके यहाँ इटावा में होंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कहते हैं। हमने कहा पांच नाम मैं बता रहा हूँ, पांच नाम आप बता दीजिए। पांच नाम मैंने बताया। उस दौर में हमारे यहाँ बाबू राजेंद्र सिंह थे, महंत चंद्र प्रकाश त्रिपाठी थे, ये ओम प्रकाश सिंह थे, कई लोगों का नाम मैंने बताया। हमने कहा इसी तरह का आप बता दीजिए, तो कहने से तक मेरे यहाँ कोई नहीं है। ये घनघोर उस दौर में ये वे लोग थे कि जो सांप्रदायिकता के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े थे। अब
तब नेता हुआ करते थे, आज आप समर्थक भले हों लेकिन नेता नहीं है। नहीं, आप नेता जब हम उनको बना नेता, आप हम आपका पैर क्यों छूते थे, इसलिए कि आप बड़े आदमी थे, हम आपका पैर आपके चरित्र से प्रभावित होकर छूते थे। और आज पहले नेताओं को अपने चरित्र को बनाना पड़ेगा, और जब आप चरित्र एक मोमबत्ती कई किलोमीटर अंधेरे में दिखाई पड़ती है, अगर कई घनघोर अंधेरा हो तो एक मोम एक मोमबत्ती कई किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ती है। तो नेताओं को खुद भी चरित्रवान बनना पड़ेगा, जब तक नेता खुद चरित्रवान नहीं होगा वो समाज को प्रभावित। इस समय कितने नेता आपको दिखाई पड़ते हैं जो जिनको लोग आप गर्व कर सकते हैं? हम तो अभी कोशिश ये करते हैं कि हम अपने को सुधारे रहें, अपने को देखते रहें और अपने लोगों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। लेकिन आपके इस प्रयास में बाकी नेताओं की दुर्गति होती जा रही है, उनके चरित्र की? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारी संख्या भले कम हो सकती है लेकिन वो गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रही। तो सर मतलब आप प्रसन्न हैं? आज नहीं तो कल लोग बदलेंगे और बदलने वाला समय आ रहा है। नहीं, कब तक प्रतीक्षा करेंगे आप? जब तक मर नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि मरने के बाद सब कुछ बचे ही नहीं। ऐसा कैसा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कहाँ होता है। मार्स के मरने के कई सौ साल बाद, 200 साल बाद लगभग लेनिन आई थी नहीं आई थी। तो आप कहना चाहते हैं विचार हमें किस समय मौजूद रहेगा? काम करेंगे। बहुत लंबे समय तक आपने राजनीति कर ली, तकरीबन 50-60 साल हो गए। 50 तो मोटी मोटा मान लीजिए। हाँ बिल्कुल, 50 जीवन में बहुत बड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी प्राप्ति आपकी क्या है जीवन में? हम लोगों के यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना है। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई विद्यार्थियों के संघर्ष से हुआ, विद्यार्थियों ने लड़ाई लड़ी, बंदरकांड हुआ, लड़के दो बार जेल गए, लोकसभा में पर्चा फेंका गया, लोकसभा में चर्चा हुई, इंदिरा गांधी ने विश्वविद्यालय को प्रदान किया, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय बना, फिर यहाँ अवध विश्वविद्यालय बना। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उस समय फिर लड़ाई लड़ा मैंने, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष भी था। हमने कहा इसमें अवध विश्वविद्यालय में डॉक्टर लोहिया का नाम जोड़ा जाए, डॉक्टर लोहिया का नाम जोड़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बना। जीवन में मलाल किस चीज का है आपको? कोई मलाल नहीं है, कोई कोई मलाल। किस संभावनाएं के राजनीतिक स्तर पर किसकी, किस दल की संभावना आपको दिखाई पड़ती है? हम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, कि इन लोगों ने मिल करके इंडिया गठबंधन के माध्यम से इस देश के अंदर जो फासिस्टवादी सरकार है उनको रोकने का काम किया। उनका ये जो नारा था कि अब की बार 400 पार और पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण था एक अकेला सब पर भारी, उस पर रोक लगाने का काम किया, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अभी राजनीति में जोखिम बहुत है। जिस तरीके से बांग्लादेश में उलटफेर हुआ है, वहाँ के नौजवानों ने इस सरकार को बदला है, आज भी इस देश के हमारे देश के नौजवानों में बेचैनी है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है, और जो हमारे देश की पत्रकारिता है उस सरकार के सामने पूरी तरह से घुटना टेक दी। अभी जो आप पूछ रहे थे सर कि लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि लोकसभा के चुनाव में 1,38,00,000 वोटों का जो विवरण छपा था उस पर कौन सी कार्यवाही हुई?
मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश का महासचिव हूँ। जब 2022 का चुनाव हुआ था उस समय मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगता था अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम किया या फिर हमारे से सरकार क्यों नहीं बनी, तो हमारे एक एक बूथ पर जब हम लोगों ने सर्वे किया तो लगा कि हमारे वोट काट दिए गए। फिर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिखा उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा इसका प्रमाण दीजिए। तो हम लोगों ने प्रमाण दिया कि इतने लोग करीब 2500 लोगों का प्रमाण दिया कि जो लोग पहले लोग विधानसभा में चुनाव में वोट दिए थे इस विधानसभा के चुनाव में उनका नाम क्यों काट दिया गया। तो उनका बयान हल्फी दीजिए, हमने 12,500 बयान शपथ पत्र दिया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के नेतृत्व में जा करके चुनाव आयोग से मिला, लेकिन उस 12,500 शपथ पत्र दिए जाने के बाद भी एक भी जवाब चुनाव आयुक्त की ओर से नहीं मिला। मैं यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि 400 के पार उस पर जनता ने विश्वास नहीं किया, तो इसका जनता की समझदारी है या पार्टी की भाजपा की मूर्खता है? जनता की समझदारी है और भाजपा का अहम टूटा है, लेकिन उसके विचार नहीं टूटे। उसका अहम टूटा है, उसका विचार नहीं टूटा, उसका विचार आज भी फासिस्टवादी है। और उन फासिस्टवादी शक्तियों से लड़ने की चुनौती अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को और उनके इंडिया गठबंधन को जब के साथ तैयार करना। जब समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आती है तो बड़े आतंक की स्थिति पैदा हो जाती है, आम लोगों पर लोग कहना है यादवों के तौर पर आतंक शुरू हो जाता है, मुसलमानों के तौर पर आतंक शुरू हो जाता है। ऐसा है, ये आपके पास भाजपा के पास प्रचार करने का साधन है। वहाँ की बात आप तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी बात करना चाहें, ये आज से 10 साल पहले लखनऊ के मोहनलाल में एक नंगी लाश मिली गई और उसको वहीं की सरकार ने, चाहे वो अलोक रंजन रहे हों, चाहे सुशील पांडे रहे हों, चाहे नवनीत सकेरा रहे हों, चाहे अखिलेश, उन्होंने इस बारे में कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया। इतना ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी जो उस समय के थे आलोक रंजन, उनके घर से 1.5 करोड़ रुपए का हार जो उनको तोहफे में मिला था वो गायब हो गया और उसके लिए तो निर्दोष लोगों को 1.5-2 महीने तक पूरी तरीके थानों में ले जाकर के मारा एसटीएफ के तरफ से, और इस पर अखिलेश को पूरी जानकारी थी। ये अराजकता जो एक पराकाष्ठा थी, वही पराकाष्ठा तो कोलकाता में ममता के राज में हो रही है, तो आपके और उनमें फर्क क्या है? देखिए, अराजकता कहीं भी हो, किसी की भी सरकार का हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फिर दूसरा प्रश्न ये होता है कि ममता को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए जी? ममता बनर्जी को ममता बनर्जी ने उस पर भी जांच की मांग किया है, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी भारत सरकार लगी रहती है, अगर वहां तिल का भी मामला होता है तो ताड़ बना दिया जाता है, और उनके पास प्रचार के साधन है, उनके पास जो अखबार है, मीडिया है, ईडी है, सीबीआई है, उनके पास सारे संसाधन है, क्षेत्रीय दल जो है उनके पास वो संसाधन नहीं होते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पूर्ण सहमत हूँ आपसे, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न और आता है कि राहुल पूरे दौरान पूरे देश भर का प्रदर्शन करते हैं, पूरा अभियान चलाते हैं भाजपा के खिलाफ, और अखिलेश एन चुनाव पर ही सक्रिय हो पाते हैं, उसके पहले शांत हो जाते हैं, ये क्या है? देखिए, अब ये बहुत बड़ी, ये बहुत जिस स्तर का आदमी मैं हूँ या जिस स्तर की राजनीति मैं कर रहा हूँ, ये उस स्तर से बहुत ऊपर की राजनीति जो आप पूछ रहे हैं हमसे। लोगों को हर चीज पर सक्रिय होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय राजनीति करना है तो हमारी एक निगाह जो है, अगर राष्ट्रीय नेता बनना है तो हमारी एक निगाह त्रिपुरा पर होनी चाहिए और दूसरी निगाह त्रिवेंद्रम पर होनी चाहिए, तब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की राजनीति कर पाएंगे।
और इन लोगों को बड़े नेता जो बनना चाहते हैं देश में, चाहे राहुल गांधी जी हों चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, उनको अपने परिप्रेक्ष्य को, अपनी सोच को, अपनी समझदारी को राष्ट्रीय स्तर पर और विकसित करना पड़ेगा। पंडित जी, तब हम क्या इन फासिस्टवादी ताकतों का मुकाबला कर पाएंगे। जैसे पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आप बहुत सरल व्यक्ति हैं, आपकी जो जन छवि आपकी, लेकिन जो सरल लोग होते हैं और जुझारू निजी तौर पर होते हैं, निजी जीवन में होते हैं, उनको झटका बहुत ज़बरदस्त आया, आपको भी होता है? हम लोग पूरा जीवन झटके में ही जी रहे हैं। अगर हम लोग झटके में न रहते या अपने मन को नियंत्रित करके न रहते, हम लोग 77 में मेले हुए थे और 77 में जितने लोग मेले हुए थे उसमें से कई लोग ऐसे जो आज महामहिम राज्यपाल के पदों पर सुशोभित कर रहे हैं। जो हम जो बात आपसे कह रहे हैं, उनमें बहुत से लोग, उन लोग देखेंगे जिनको इमरजेंसी के आतंक का एहसास नहीं हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इमरजेंसी का और आज के भाजपा शासन दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो किसको भयावह मान? उस समय जो आपातकाल था जिसमें हम लोग जेल गए थे, आज मैं महसूस करता हूँ कि वो आपातकाल से ज्यादा आज कठिन ज्यादा काल है। वो आपातकाल से ज्यादा कठिन काल आज, उससे ज्यादा या गुना? उससे ज्यादा। अच्छा। उससे ज्यादा। हम लोग आपातकाल में भी जब जेल से हम लोग चौधरी चरण सिंह छूटे, उसके 10 दिन बाद मैं भी छूट गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा जरा पता लगाओ क्या माहौल है। तो हमने कहा अभी हम गले छूटे हैं, आवाज माहौल पता लगाने जाए तो फिर बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन आराम कर लो। तो एक दिन आराम की, उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं, मैंने चगुआ वाला फोन था, PNT वाला। दूसरे दिन हम लोग उठे और साइकिल से आपके घर के बगल में मऊ सबाला जगह है, वहाँ 40-50 लोगों का घर था, एक छोटी सी बाजार वहाँ पर लगती थी, साप्ताहिक वाली बाजार थी। मैं वहाँ गया तो हमने कहा कि यहीं पर, उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, एक छोटी सी मीटिंग की जाए, एक बोरा मांग करके और कनस्टर लकड़ी से पीटा और कहा छोटी मीटिंग करेंगे। 40-50 लोग, 60 लोग, 70 लोग इकट्ठा हुए, आधा घंटा पौन घंटा मीटिंग की, इसके बाद झोला फैलाया, किसी ने 2 आना दिया, किसी ने 4 आना दिया, किसी ने 1 आना दिया, किसी ने 1 रुपया दिया, कुल मिला जुला करके 30-35 रुपया इकट्ठा हुआ। खैर अपने घर आए, दूसरे दिन चौधरी साहब ने पूछा क्या हुआ, गए थे कहीं? उन्होंने कहा मऊ सिवाला गए थे, मीटिंग की, क्या था बताए, 40-50 लोग इकट्ठा हुए थे, 30-35 रुपया इकट्ठा हुआ है, और जाओ का चला। तो 2-1 दिन बाद हम लोग बीकापुर गए, तो यहाँ के CID इंस्पेक्टर गजबदन सिंह वो पीछे पड़ गए, कई साल अभी जेल से छूटे नहीं, वो दिमाग खराब है, आपकी भेजे के साले कभी नहीं आओ लौट के, तो थोड़ा डर भी लगा, लेकिन अब चौधरी साहब की बात थी। उसके बाद हम लोग चौरी बाजार में मीटिंग, चौड़ी बाजार में एक रेलवे क्रॉसिंग है बाजार में, वहीं पर मीटिंग किया। तो बगल में इंटरमीडिएट कॉलेज है, 4 बजे के आसपास मीटिंग किया, तो वहाँ 200 रुपया से ज़्यादा इकट्ठा हुआ, क्योंकि मास्टर थे उस स्कूल में करीब 15-20 मास्टर थे, तो किसी ने 5 रुपया दे दिया, एक आध लोगों ने 10 रुपया दिए। तो चौधरी साहब ने पूछा कि चौरी वाली मीटिंग कैसी रही? बहुत बढ़िया मीटिंग रही, यहाँ का इतना पैसा, कह जी पैसा ना बताओ, रुपया ना बताओ, ये बताओ इसमें नोट का है रचकारी कितने, गिन करके बताया गया कि इसमें थोड़ा नोट है बाकी रचकारी है। कहीं तो समझ लो माहौल बदल गया है,
जब लचकारी ज्यादा है समझ लो माहौल बदल गया, इमरजेंसी ज्यादा दिन नहीं रही और उसी के कुछ दिन बाद इमरजेंसी हट गई। तब भी हम लोग बोल लेते थे और अब तो बोलने की अनुमति ही नहीं मिलती भाई। स्ट्रिक्टली 144 लागू कर दिया जाए, 5 आदमी पर 144 लागू होता है। अगर स्ट्रिक्टली लागू कर दीजिए तो कर्फ्यू बदल जाएगा। मोर वर्क मोर रिस्क, लेस वर्क लेस रिस्क, नो वर्क नो रिस्क, इससे अच्छा मीटिंग की परमिशन ही न दो। पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जन आंदोलन हो पाया, कोई मीटिंग हो पाई, छात्र संघ के चुनाव हो पाए? छात्र संघ खत्म कर दिया गया, सारे नेता की जो फैक्ट्री थी जहाँ नेता लोग बनते थे उसी समाप्त कर दिया गया। अब जितने चोर गुंडा माफिया हमारा टाइप लोग हैं वो नेता बन रहे हैं। आप इसी से मतलब बताइए, आप भी तो बहुत लंबे समय तक 50 साल तक आपने राजनीति की, आपने कितना कमा लिया है? आपने कितना कमा लिया? कितना कमा लिया? अब कमाने का अर्थ आप क्या समझते हैं कि आपने कितनी पूंजी तैयार कर लिया है? हम पूंजी को तैयार को कमाना नहीं मानते, लेकिन अब जो हम ये मानते हैं कि जब आप सड़क चलते हैं तो कितने लोग आपको नमस्ते करते हैं, वही मैं आपसे, कितने लोग आपको श्रद्धा के साथ। बिल्कुल सही, मैं मेरा प्रश्न वही है कि एमएलए बनने के पहले कार्यकर्ता और नेता बनता है, नेता पहले कमाना शुरू कर देता है, एमएलए के बाद तो कमाई होती है। मेरा प्रश्न तो सुन लिया, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक एमएलए होने के बाद उसको विकास कामों में कमीशन मिलना शुरू हो जाता है, हर चीज को विधायक कमाना शुरू कर दिया, चाहे सांसद हो चाहे पार्षद हो, ये स्थिति यहाँ तक कैसे आ गई? यहाँ तक इसलिए स्थिति आई कि ये समाज भौतिकवादी हो गया। पहले गरीब आदमी की इज्जत होती थी। हम लोग जब 77 का फॉर्म भरने गए एमएलए का चुनाव का, तो मेरे थैली में 1400 रुपया था। जिस दिन मैं एमएलए का फॉर्म भरा चुनाव लड़ने के लिए 1400 रुपये था, और जिस दिन मैं एमएलए हुआ उस दिन भी वही 1400 रुपया था। उस 1400 रुपये में से मेरा एक पैसा नहीं लगा, ऑनलाइन पैसा घटा, और उस 1400 रुपये में से जो था मेरे पास वो 1400 रुपया, उसमें से 500 रुपया हमको मोर ज्योति रमन सिंह ने दिया था, 200 रुपया मोहन सिंह ने दिया था, 250 रुपया राम नरेश यादव ने दिया था जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, समझ लीजिए। तभी वो 1400 रुपये मेरा नहीं बैठा। तो मुझे लगता था ये मेले होने के बाद कि रिक्शा वाला का भी मेरे ऊपर एहसान हो, और जो खोंचा बेच रहा उसका भी एहसान हो। अब मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे मुँह से ऐसी बात ना निकल जाए कि लोग नाराज हो जाए। तब लगता था मुझे लाखों आंखें देख रही हैं। अब आज मैं महसूस करता हूँ कि आज के नेताओं को ये नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि वह अब पूजी चुनाव लड़ता है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व चुनाव नहीं लड़ रहा है। यानी इमरजेंसी के बाद जो रेजगाड़ी से नोट बदला, अब वो बक्सों में और बहुत झोलों में आ रहा है, तो यानी हालात फिर बदलने जा रहे हैं, तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे? हम तो हमेशा सकारात्मक पर सोचते हैं, नकारात्मक पर नहीं सोचते। लोहिया जी ने एक अपने प्रेमिका जो लंदन में थी उसको चिट्ठी लिखी थी, योनि की शुचिता जी, योनि की शुचिता, हाँ ये चिट्ठी उन्होंने लिखी, हाँ बड़ी लंबी, हाँ पढ़ी आप? नहीं मैंने नहीं। अच्छा, उनका सीधे सीधे कहना था स्त्री और पुरुष के संबंध बिल्कुल धमकी और धन के न हो, बाकी चीजें मौजूद, कोई समस्या नहीं है, इसको जानकारी है आप? नहीं कोई बात, गहन अध्ययन नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, टिप्पणी करना हमारा उचित नहीं। मैं जानना चाहता हूँ राजनीति में अब स्त्री का अनिवार्य रूप से द सेक्स करीबी रिश्ते हो गए, ये क्या उसमें कभी आप कभी लिप्त हुए? नहीं। क्यों? अब कोई ऐसा, हर आदमी का अपना अपना एटीट्यूड होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपने सोचने का परिवेश होता है। लेकिन सफल होने के लिए जब वो देखिए, वो बहुत सी चीजें हैं कि एक आदमी पान खाता है, एक आदमी पान नहीं खाता,
तो जो पान नहीं खाता हो क्या आदमी नहीं है, वो भी आदमी है। नहीं, पान खाना और परस्त्री गमन करना दोनों अलग, वो सब बहुत से लोग हैं जिनका कभी राजनीति में स्त्री से संबंध ही नहीं रहा। कामराज नाडार से पूछा गया कि आपका स्त्रियों से केयर आपने, वो भी पढ़ा रहा होगा, तब धर्मवीर भारती का पांच कुंवारी राजनीतियों का इंटरव्यू, आप तो पत्रकार हैं, पुराने धर्म युग को निकाल करके देख लीजिए। जब कामराज नाडार से पूछा गया कि आपका स्त्रियों के बारे में क्या विचार है, तो उनका मैं अपनी माँ के अलावा किसी स्त्री बारे में कभी सोचा ही नहीं। कभी किसी महिला ने आपसे प्रेम कोई जानकारी नहीं, उसने कभी आपसे प्रेम करने का नहीं, ऐसा कोई मौके नहीं आया, मौका नहीं मिला, या आप उसने न कोई रुचि थी न कोई मौका मिला, दोनों बात। और देखिए ऐसा है ना, फालतू के समय में आदमी का समय तब रहता है जब उसके दिमाग में योजनाएं नहीं रहती, काम नहीं रहता। और जब योजनाएं रहती हैं कि आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है, तब फालतू चीज के लिए उसके पास समय नहीं रहता। अब जीवन का आधे से ज्यादा उम्र आपकी हो गई, ज्यादा ही हो गई, बाकी भविष्य में आपकी क्या रणनीति है? ये हमारी राजनीति यही कि इस देश के अंदर एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार की जाए जो चरित्रवान हो, ईमानदार हो, इस देश के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, गरीबों के लिए लड़े, उसके लिए संघर्ष करे, और एक ऐसा समाज बनाए जहाँ जात पात विहीन समाज हो, जहाँ पर समाज में सब बराबर हो, सबको रोजी रोटी मिल सके और समाज की नई तरक्की हो सके, यही मेरा कल्पना है, यही मैं सोचता हूँ, इसके लिए संघर्ष करूँगा, जितना कर पाऊँगा उतना करने का प्रयास करूँगा। सोच यही है कि अच्छे लोग, अच्छे नेता समाज में होते, समाज में बनेंगे तो देश का विकास होगा, देश को नई दिशा मिलेगी, और नए लोगों की नर्सरी तैयार करना चाहता हूँ। लेकिन नई नस्ल तो मैंने अखिलेश यादव जी से भी इस बात को कहा भी कि अगर इस देश के अंदर लंबी राजनीति करना है तो हम लोगों को नए लोगों की नर्सरी बनाना पड़ेगा, हमें अपने दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी नर्सरी से, चाहे उसने गलत ही शिक्षा ही दीक्षा दी, लेकिन उसने दिया, उसने एक जमात तैयार किया, आज उसके पास हजारों विद्यालय, हजारों अध्यापक, उसके विद्यालय से जो लोग निकल रहे हैं उनको नई तरीके की शिक्षा दे रहा है। हम लोगों को भी समरसता की शिक्षा उसके मुकाबले देना चाहिए, हम लोगों को भी उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, तभी हम लोग समाज को नई दिशा दे पाएंगे। तो ये हैं जयशंकर पांडे जी, अयोध्या रामनगरी के ऐसी शख्सियत जिसकी तुलना किसी फिलहाल किसी राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं देखी जा सकती। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, अपने दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार सोहर को इजाजत दीजिए।